सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। मैं बलिदान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी। आप सभी साथियों को स्वागत है बीएस मोटिवेशन ऑफिशियल चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। बुद्ध किस जाति या समाज के थे? ये सवाल मायने नहीं रखता कि बुद्ध किस जाति या समाज के थे। गौतम बुद्ध ने खुद को ना तो कभी क्षत्रिय का, न ब्राह्मण, न शाक्य। हालांकि शाक्यों का पक्ष लेने का कारण कुछ लोग उनको शाक्य मानकर शाक्य मुनि कहते हैं। क्या बुद्ध खुद को किसी जाति या समाज तक सीमित रह सकते थे? आप खुद सोचिए, बुद्ध को इस तरह किसी जाति विशेष में सीमित करना या उन्हें महज मुनि मानना बुद्ध का अपमान ही होगा। बुद्ध से जो सचमुच ही प्रेम करता है वह बुद्ध को किसी सीमा में नहीं बांध सकता। भगवान बुद्ध को जो पढ़ता समझता है वह किसी भी दूसरे समाज के लोगों के प्रति नफरत का प्रचार नहीं कर सकता है। यदि वह ऐसा कर रहा है तो वह विश्व में बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा को नीचे गिरा देगा। बुद्धम सरलम गच्छामि, बुद्ध ऐसे हैं जैसे हिमाच्छादित हिमालय। पर्वत तो और भी हैं, हिमाच्छादित पर्वत और भी हैं, पर हिमालय अतुलनीय है, इसकी कोई उपमा नहीं है। हिमालय बस हिमालय जैसा है, गौतम बुद्ध बस गौतम बुद्ध जैसे। पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में वैसा महिमापूर्ण नाम दूसरा नहीं। गौतम बुद्ध ने जितने हृदयों की वीणा को बजाया है उतना किसी और ने नहीं। गौतम बुद्ध के माध्यम से जितने लोग जागे हैं, जितने लोगों ने परम भगवत्ता उपलब्ध की है उतना किसी और के माध्यम से नहीं, ऐसा ओशो कहते हैं। तो अगर जानकारी पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा बहुजन समाज, हमारे बुद्धिस्ट लोग जाग सकें और यूनाइट हो सकें। धन्यवाद। जय भीम नमो।